नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव प्यासी आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल UCP सतना पर। पहले ये चैनल का नाम UCP मैथ्स बाय अभिनव प्यासी हुआ करता था, क्योंकि इंडिविजुअल मैं ही मैथ्स की कक्षाएं ले पा रहा था, ठीक है ना। अब क्या है, सारे शिक्षक आ चुके हैं लॉकडाउन के बाद, तो हमने चैनल के नाम को कन्वर्ट करके क्या रख दिया है, UCP सतना। UCP का फुल फॉर्म होता है यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम, ये हमारे संस्थान का नाम है और इस नाम से हमारा संस्थान सतना में संचालित है, ठीक है ना। अब आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने सबसे पहले किसकी क्लास देखी, पुनीत चतुर्वेदी सर की, ठीक है ना। उन्होंने अभी अपनी क्लास जो हिंदी के सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाया है, उन्होंने सबसे पहले आपको MPSI के संपूर्ण सिलेबस की जानकारी दी, फिर उसके बाद आपको जेल प्रहरी एग्जामिनेशन जो होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है साइट पे, ठीक है ना, तो उसकी जानकारी दी। फिर उसके बाद हमारे सर आए अभिषेक त्रिपाठी सर, आपको प्राचीन भारत का इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्रतीक सर MP वाले, उन्होंने भी आपको MP का इंट्रोडक्शन दिया। फाइनली मेरी पर्टिकुलर हमेशा 4th नंबर की क्लास हुआ करेगी, ठीक है ना, जिसमें अभी तक मैं पिछले अपने सीरीज की बात करूं तो हमने 4 प्रकार से अपने सवालों को देखा था, मतलब 4 हमने वीडियोस देखे थे अपने। लास्ट जो एपिसोड रहा या लास्ट लेक्चर रहा तो उसमें हमने पढ़ा था गुणनखंड फैक्टर्स, ठीक है ना। तो गुणनखंड के बाद आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इकाई का अंक, ठीक है ना। तो देखिए, इकाई का अंक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ छोटी मोटी बातें, थोड़ा सा आपको मजाक जरूर लगेगा लेकिन मैं एक अपने स्टेज के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि आप तरह तरह के वीडियोस देखते होंगे, अपने पर्टिकुलर सतना में बहुत सारे गणित के शिक्षक हैं, हमारे बड़े भाई ही हैं, छोटे भाई भी हैं कुछ, तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा टारगेट करने का उद्देश्य नहीं है किसी को, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे थंबनेल वगैरह बनते हैं, जो आप कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा सवाल, या हम इतना तेजी से सवाल करिए, अनोखी मेथड, अचूक विधि, ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा, ऐसी विधि पढ़ाएंगे, कुछ लोग जहरीले सवाल पढ़ा रहे हैं, तो भाई मैं सबको ये बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट हैं अपने उनके लिए पर्टिकुलर, देखो भाई कंटेंट जो है सब पहले से ही पढ़ा पढ़ाया है, गणित का 1, 2, 3, 4 कभी बदला नहीं जा सकता। और रही बात एकदम ये कहा जाए कि नया तरीका हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सब शिक्षक जो हैं वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, बस ये है कि हाँ टीचर का जो फ्लो है पढ़ाने का तरीका केवल वो बदलता है, कभी ट्रिक नहीं बदलती, कभी कॉन्सेप्ट नहीं बदलती, वो आपको दर्शाया ऐसे जाता है जैसे सब क्या हो गया हो, नया हो गया हो। तो मैं भी या कि कोई भी टीचर आपको क्या है, नई ट्रिक नए फार्मूले नहीं बता रहा है, जो मार्केट में उपलब्ध है वही बता रहा है, लेकिन सबके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक इकाई के अंक की, ठीक है ना। देखिए इकाई के अंक को पहले बेसिक से समझते हैं कि ये आया कॉन्सेप्ट क्या, ये है क्या। तो अगर मैं एक सीरीज लिख दूं गुणा की, 1, 2, 3, 4, 5 में इकाई का अंक बताइए, इकाई अंक क्या करना है आपको ज्ञात करना है, फाइंड यूनिट डिजिट इन दिस सीरीज, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबका गुणा करवा लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 में 5 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 120। तो ये बताइए, आप देखे होंगे या कि बचपन में ही आपको पढ़ाया जाता है, अगर कोई संख्या लिखी है 199 तो ये कौन सा प्लेस है भाई, इकाई का प्लेस है यानी यूनिट प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है भाई, ये दहाई यानी टेंस प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है भाई, ये 100 है मतलब सैकड़े का प्लेस है। तो हमको बताना क्या था भाई, इकाई का अंक, तो ये दोनों हट जाएंगे, इकाई के प्लेस में कौन बैठा, शून्य बैठा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही रन करने हैं, मतलब हमको लास्ट में जो मिले वो हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। तो मैं आपको सिंपल सा समझा पाया कि आखिर इकाई के अंक में क्वेश्चन क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। तो मतलब लास्ट डिजिट में उसका मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो अंक आए वो क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रकार की बात करें अगर कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई, पहले एक नॉर्मल सीरीज वाइज क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, टाइप 2 में जो क्वेश्चन बनेंगे वो पावर बेसिस पर होंगे, और जो टाइप 3 पे आएगा वो पहले और दूसरे का मिक्सचर होगा, जिसमें एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और ये कहा जाए डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, उस पर आधारित सवाल रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करें, ठीक, टाइप नंबर 1, सब लोग देखिए ज्यादातर जो 12वीं पास कर चुके लड़के हैं वो एकदम भाई ध्यान से देखना, ठीक है ना। कुछ लड़के क्या है इस पे गो थ्रू होते हैं इकाई के अंक पे, लेकिन ध्यान रखिएगा हर परीक्षा है, व्यापम का कोई दीजिए, MPSI, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, आपको एक क्वेश्चन यहां से रखा हुआ मिलेगा, ठीक।
तो एक नंबर या कि किसी एग्जाम का दो नंबर भी हो सकता है, एक क्वेश्चन के दो अंक भी होते हैं कहीं कहीं, तो आपको एक प्रश्न इकाई के अंक से रखा मिलेगा और मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है ना, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक, तो चलिए टाइप वन के क्वेश्चनों की चर्चा कर लें, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन की ही बात करूं मैं, लिखा हुआ है 756 क्वेश्चन नंबर वन, 756 गुणे 938 गुणे 872 में क्या बताना है आपको, इकाई का अंक, ठीक है ना, फाइंड यूनिट डिजिट इन दिस सीरीज। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे पहले वो समझ लीजिए। अब क्या करना है आपको, इतने बड़े बड़े सबका मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, आप क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस पकड़िए 6, इसका यूनिट प्लेस पकड़िए 8 और इसका यूनिट प्लेस पकड़िए 2। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करवाइए, 8 में 6 का मल्टीप्लाई करवाओगे, गुणा करवाओगे तो कितना आएगा भाई, 48। अब ये बताओ 48 में यूनिट प्लेस पे क्या है, तो आप कहोगे 8, तो मैं कहता हूं अब इस 8 को पकड़ दो, अब इस 8 का गुणा किससे करवाओ भाई, 2 से करवाओ, तो 8 दूनी 16, ठीक, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया भाई 16। अब ये बताओ 16 में यूनिट प्लेस पे कौन बैठा है, 6 बैठा है, तो 16 के यूनिट प्लेस में अगर 6 बैठा है तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा भाई, 6। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन अगर आपको लिख दूं, यहां दूसरा क्वेश्चन समझना भाई, ठीक, अगर आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे और ये उतार लेंगे, बढ़िया व्यवस्थित नोट्स बनाइए जिससे हमारे सारे क्वेश्चन क्या है बनने लगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए भाई, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था, देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 में यूनिट डिजिट बतानी है आपको, यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो देखो भाई, इसका मैंने पकड़ा 1, इसका मैंने पकड़ा 9, इसका फिर से 1, इसका 9 और इसका 6। चलिए सबसे पहले गुणा करवाते हैं, 1 में 9 का कितना आया भाई, 9 ही आया, ठीक, अब 9 बचा, 9 का गुणा किससे करवाना है भाई आपको, इसके यूनिट प्लेस से, फिर कितना बचा 9, अब फिर 9 में 9 का गुणा करवाना है भाई आपको, तो 99 81, अब 81 में 81 के गुणा नहीं करवाएंगे, क्या बचा इसका इकाई का अंक 1, 1 का गुणा किस में होगा भाई 6 में, तो हमारा इकाई का अंक डायरेक्ट क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, आ गया समझ में, ठीक है ना। रुको, पंखा तेज करो। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो अच्छे से, ठीक, इसको मैं मिटाए दे रहा हूं। अब देखो भाई तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 203 गुणे 410 गुणे 240 गुणे 305 गुणे 1507 गुणे 218 में यूनिट प्लेस बताना है आपको, ठीक, समझिए अच्छे से। अब देखो इसका 3 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 5 है, इसका 7 है, इसका 8 है, सबके हमने यूनिट प्लेस के अंकों को पकड़ा। अब हम क्या करवाएंगे, गुणा, 3 में 0 का गुणा 0 आना है, 0 में 0 का गुणा होगा 0 आना है, 0 में 5 का गुणा होगा 0 आना है, फिर 0 का 7 में फिर 0, 0 का 8 में फिर 0, तो यूनिट आ कितना गया भाई आपका, यूनिट प्लेस पे जो अंक है, यूनिट अंक ये कहा जाए कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बताऊं, कभी भी किसी सीरीज में आपको क्या दिख जाए 0, कुछ मत सोचिएगा, पूरी सीरीज कहां चली गई है, इकाई का अंक उसका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, टाइप वन यही थे, ठीक है ना, आगे समझ में, टाइप वन में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। अब आ जाते हैं टाइप नंबर सेकंड में, टाइप नंबर सेकंड वास्तव में कठिन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक। टाइप नंबर 2 में कौन से सवाल आएंगे, मैंने आपको बताया था, टाइप नंबर सेकंड में जो सवाल आएंगे वो कौन से वाले होंगे भाई, पावर वाले सवाल होंगे, पावर मींस घात, ठीक, तो घात वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन, अगर मैं एक आपको फेस दिखाऊं कि क्वेश्चन का फेस कैसा होगा, मतलब कैसा पूछा जाता है, तो एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 213 की घात 31, 31, ठीक है ना, मैंने यहां लिख दिया थोड़ी देर के लिए 214 की घात 55, 55, ठीक, इसमें यूनिट प्लेस पूछ सकता है, इसमें यूनिट प्लेस पूछ सकता है, या कि मैंने थोड़ी देर के लिए 2197 की पावर 993 ये बताया मैंने उदाहरण के लिए। तो जरा ये समझिए कि अगर घात वाले सवाल है तो देखो पावर लगी आपको मिलेगी पक्का, ठीक, अब आपको यूनिट प्लेस निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि ये
जो लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये कहा जाए सीधे जो यूनिट प्लेस पे लिखा है वो या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। देखो ये इवन है, ये विषम है, ठीक है ना, ये सम है, ये विषम है और ये भी विषम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहां केस हो जाएंगे दो, पावर वाले सवाल में भी दो कैटेगरी बटेगी, ठीक। तो दो कैटेगरी कौन कौन सी बटेगी भाई, एक बटेगी सम संख्या वाले सवालों की, मतलब जिनका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा उस तरह के सवालों की, और जिनके यूनिट प्लेस पे विषम संख्या होगी या ऑड नंबर्स होंगे तो उनकी। तो यहां हम दो कैटेगरी बना लेंगे कि सवाल कितने कैटेगरी के पूछे जाएंगे भाई, दो कैटेगरी के, आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए घात वाले सवाल हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप रट के बैठे रहोगे कि घात को हमेशा किससे डिवाइड करना है भाई, चार से। पावर ऑलवेज आपको क्या डिवाइड करना है, चार से, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो देखो अब आते हैं सबसे पहले इवन वाले केस में सम, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे विषम वाले में। पहले सम वाला समझ लीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और उसका कॉन्सेप्ट मैं यहां उतार दूंगा, ठीक है ना। विषम वाला, ये इवन वाला केस देख रहे हैं, विषम वाला केस भी ऐसे समझेंगे। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को यहां उतार देंगे। तो हमको केवल ये कॉन्सेप्ट रट लेना है, ठीक है ना। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने प्रीवियस टाइप वन पढ़ाया तो जरूरी नहीं है कि वहां से सवाल बनेंगे, बहुत बेसिक सवाल है वो, ठीक है ना। यहां से कठिन क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले सम का केस समझ लेते हैं भाई, ठीक। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं जो प्रीवियस ईयर में आया था, तो इसमें लिखा हुआ है 1264 की पावर 68, क्या कहा मैंने, 1264 की पावर 68। तो मैंने आपको कहा था मैं इकाई का अंक बताना है आपको, यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि घात को हमेशा किससे डिवाइड करिए, चार से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको निकालना जब इकाई का अंक है तो केवल इकाई के प्लेस को पकड़िए, 4 की पावर 68 कर दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको तो यूनिट प्लेस चाहिए, ठीक। तो हमने लिख दिया 4 की पावर 68, ध्यान रखिएगा हमेशा इस पावर को किससे डिवाइड करना है आपको, चार से, ठीक। थोड़ा सा और जूम करके लिख दूं, यहां देखिए 4 की पावर 68, ठीक, ये बचा अपना, इसको किससे डिवाइड करना है भाई, हमेशा चार से। तो हमने पावर को 4 से डिवाइड किया, ठीक। तो ये बताइए भाग कितनी बार गया, तो चलिए भाग देते हैं, 6 में दिए 4 से, तो 4 एक कम 4, बचा कितना भाई 2, तो 4 सते 28, आप देख रहे हो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, 17 बार भाग क्या हुआ है, पूरा गया है, तो मतलब फुल डिवाइड हुआ भाई, ठीक है। तो 17 बार फुल डिवाइड हुआ, तो हम क्या कर देंगे सीधे सीधे यहां लिख देंगे कि 4 की पावर 17 बार फुल डिवाइड, ठीक, गुणे 4 की पावर 0, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा, ठीक। तो केस क्या कहता है कि जब भी इवन नंबर हो लास्ट में और घात क्या हो पूरी डिवाइड हो जाए, मतलब फुल डिवाइड हो जाए, तो उसका इकाई का अंक हम तुरंत क्या उतार लेते हैं, 6, और 4 की पावर 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। किसी की भी घात में 0 चढ़ा हो तो उसका मान 1 होता है, तो यहां से मान कितना आ गया इसका आंसर, 6। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट को लिखना चाहूं, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। अभी ढेर सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, अभी तो एक पैटर्न बता रहा था। तो हमको क्या करना है, देखना है जब भी ऐसे सवाल आएंगे, ठीक, जब क्वेश्चन में दिया गया जो यूनिट प्लेस है, ठीक है ना, वह इवन है, ठीक, इवन यानी सम हो, ठीक। तो मैंने अभी भी कहा था, तो जब घात फुल डिवाइड हो, ठीक है ना, जब पावर या घात, ठीक, फुल डिवाइड हो, फुल डिवाइड, ठीक है, हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या लेंगे भाई, अंक हमेशा 6 लेंगे, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अपने एग्जांपल्स की बात करें ढेर सारे, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए समझिएगा। दूसरा एग्जांपल मैं अगर फिर से एक बार समझा दूं इसको, 1264 लिया था ना हमने, 1264 की पावर कितना था भाई, 68, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 67 कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। मैं आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है भाई, क्या, इकाई का अंक, ठीक, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको छोड़ दीजिए, केवल किसको उतारिए, 4 को, और ऊपर पावर ले लीजिए 67 को। मैंने कहा था पावर को किससे डिवाइड करते हैं हमेशा, तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए भाग दे के देखते हैं भाई कितनी बार भाग गया, तो 4 तो उतार ही लो, और कितनी बार फुल डिवाइड हुआ, चलो देखो 4 एक कम 4, बचा 2, कितना हो गया 27,
ठीक है ना, 27 हो गया तो 4 छंगे 24, तो 16 बार फुल डिवाइड हुआ। और बताओ भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है प्लस शेष कितना बचा, जब आपने कहा 4 छंग 24 तो 27 था तो कितना शेष बचा, शेष बचा 3। तो हमने कहा कि सर 4 की पावर 16 फुल डिवाइड हुआ है, ठीक, पावर में ऐसा मतलब मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि जहां तक फुल डिवाइड हो उसके पावर में चढ़ा दो फुल डिवाइड, अब गुणे में लिख दो कितना शेष बचा है 4 की पावर 3। तो मैंने कहा था जब लास्ट में इवन नंबर हो, ठीक, अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा लेकिन अंततः आप एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि आपसे सवाल बन गए। तो मैंने क्या कहा कि चार कितने बार 16 पर फुल डिवाइड हो रहा है, तो मैंने कहा कि जब इवन नंबर होगा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो जब पावर क्या हो जाएगी भाई, फुल डिवाइड हो जाएगी, तो उसका मान हम कितना लेंगे 6। तो फुल डिवाइड तो हो गई 16 बार में, ठीक, तो हमने क्या ले लिया इसका यूनिट प्लेस 6 ले लिया। और बताइए ये क्या लिखा है भाई 4 की पावर 3, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो हमने लिख दिया यहां 64। चलिए 64 में अगर इसका तो देखो 6 चौको 24, केवल यूनिट यूनिट का हमने कहा था मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 चौको 24 और आंसर कितना बन गया मेरे भाई 4। ये है आपका आंसर यूनिट प्लेस पे। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, ठीक, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे भाई, एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है ना, समझिए एक क्वेश्चन और दिया था, यहां लिखा हुआ है 9, थोड़ी देर के लिए 9 यहां, हाँ 1239 ले लो, 1239 की पावर दिया था भाई 66, अब समझना अच्छे से, 66 दे दिया, तो हम क्या करेंगे इतने को हटा देंगे, जरूरत किसकी रहेगी केवल, ठीक है ना, इसकी रहेगी। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने विषम वाला लिख दिया, सॉरी हम सम का केस पढ़ रहे थे, ठीक, सम के केस में एक एग्जांपल लिख लो भाई 2698, ऑड वाला आएगा, ठीक है ना, 2698 की पावर था भाई 103। मैं बार बार बोल रहा हूं पावर को चेक नहीं करेंगे कि सम और विषम है, चेक किसको करेंगे, केवल क्वेश्चन के यूनिट प्लेस को, कि वो कौन सा है, ये कौन सा है इवन, ध्यान रखेंगे। तो हम जब यूनिट प्लेस ले लिए तो इनका मतलब ही नहीं है, ठीक, तो अगर मैं कॉन्सेप्ट को यहां थोड़ा सा मिटा दूं तो यहां समझिए अच्छे से, इवन है तो हमने कहा कि चलो अब क्या लिख लेंगे 8 की पावर 103, इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई हमेशा पावर को 4 से, तो चलिए देखते हैं फुल डिवाइड कितनी बार हुआ और रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है ना, तो चलो देखें भाई 4 × 2 = 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 25 बार आपका तो क्या हो गया फुल डिवाइड हो गया, लेकिन यहां 23 हो रहा था, आपने देखा था 4 × 2 = 8, बचा था 2, ठीक, तो 3 रिमाइंडर बचा भाई यहां से, तो शेष कितना बचा यहां से अगर देखा जाए तो शेष बचा भाई सीधे सीधे 3। तो अब हम इसको कैसे उतार लेंगे, 8 की पावर कितनी बार फुल डिवाइड, तो आप कहोगे 25 बार फुल डिवाइड, FD लिखे दे रहा हूं फुल डिवाइड, गुणे शेष कितना बचा है उसकी पावर चढ़ा दो 8 की पावर 3, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जब मैंने कहा था कि जब इवन नंबर हो क्वेश्चन का तो हमेशा जब घात फुल डिवाइड होगी तो उसका यूनिट प्लेस क्या लेंगे 6 लेंगे, और 8 का 3 बार मल्टीप्लाई अगर मैं आपको करवाना चाहूं तो आप 8 × 2 = 64, 64 इकट्ठे होता है भाई 512, ठीक है ना, 512, तो 512 का हम क्या उतार लेंगे सीधे सीधे, अगर मैं यहां 512 ही लिख लूं इसका गुणा, ठीक, तो यूनिट यूनिट प्लेस का गुणा करवा दो 6 × 2 = 12, आखिर में आप देख रहे हो कि 12 का यूनिट प्लेस क्या है भाई, आप कहोगे 12 का यूनिट प्लेस क्या है 2 है, आंसर कितना बन गया हमारा 2, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और समझ लो भाई, ठीक, देखिए कठिन कोई चीज नहीं है बशर्ते आप एक बार उनसे गो थ्रू हो जाएं, ठीक है ना, यहां देखिए एक क्वेश्चन और लिखा है 952 और 952 की पावर दिया था भाई 67, ठीक है ना, फिर से मैंने 67 का एग्जांपल लिया, तो मैंने क्या कहा हम क्या चेक करेंगे क्वेश्चन को देख के कि ये इवन है कि ऑड, इसको नहीं चेक करेंगे, ये कुछ भी रहे 9999 9998 100000 200000 500000 कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है, ठीक, केवल इससे मतलब है। तो हमने देखा कि ये कैसा नंबर है, ये सम संख्या है, इसके बगल में जो भी है उनको हटा दो, फिर क्या लिख लो 2 लिख लो, अब पावर चढ़ा लो 67, मैंने कहा था हमेशा इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे आप, आपने कहा था कि 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, अब भाग दो भाई इस पे, तो चेक करो कि कितनी बार फुल डिवाइड हो रहा है, तो 4 × 1 = 4 बचा 2, ठीक, 27 हो गया, तो भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 4 × 6 = 24, तो 16 बार क्या हो गया फुल डिवाइड। अब जरा ये बताओ शेष कितना और बचा, ठीक, ये 27 हो रहा था, अब 24 तक भाग गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, ठीक,
तो अब देखना अच्छे से, तो हम कितनी बार फुल डिवाइड हुआ, 2 की पावर हम लिख देंगे 16 की पावर, फुल डिवाइड हो गया ये, ठीक। और मल्टीप्लाई में 2 की पावर रिमाइंडर कितना बचा भाई, 3 बचा, ठीक है ना। मतलब ये 3 रिमाइंडर जो बचा था हमने 2 की पावर में चढ़ा दिया। अब मैंने कहा था, फिर से आपको कॉन्सेप्ट याद दिलवाऊं, कि जब सम संख्या हो, घात फुल डिवाइड हो जाए, तो इकाई का अंक क्या उतारते हैं भाई, 6 उतारते हैं हमेशा। एक ट्रिक के माध्यम से रट लो, ठीक है ना। इवन नंबर हो, अघात फुल डिवाइड हो जाए, तो हमेशा छक्का मारते हैं, ठीक। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो जरा मुझे बताइए, 6 में 8 का गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 48। 48 का इकाई का अंक क्या है भाई, 8। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके दूसरे प्रकार में चलते हैं, टाइप 2 के इवन वाला केस हमने देख लिया, अब बात करते हैं किसकी, ऑड वाले केस की। तो ऑड वाला केस समझिए, ठीक है ना। देखिए, आपको इवन वाला क्लियर हो गया, इवन में जब तक फुल डिवाइड होगी पावर, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यूनिट प्लेस पे 6 लेंगे, ठीक है ना। अब आइए, कौन सा केस है भाई, विषम, विषम यानी ऑड, ठीक। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो यहां लिखा है 41 37 की पावर 132, ठीक, 132। तो हम हमेशा क्या करेंगे, देखेंगे कि ये लास्ट में जो यूनिट प्लेस है क्वेश्चन का, वो इवन है कि ऑड, सम है कि विषम। तो आप तुरंत कहोगे, सर 7 तो क्या है, विषम, ठीक। और जब विषम है तो हमको तो ये तो उतारना ही है, 7 की पावर 132, ये तो हम लिखेंगे। लेकिन इनके बगल वालों को छोड़ दीजिए, इनसे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। अब आ जाइए, 4 से भाग देते हैं भाई। तो जरा मुझे ये बताओ कि कितनी बार फुल डिवाइड होगा, तो 4 दूनी 8 4 त्याई 12, एक बचा तो 4 त्याई 12, 33 बार फुल डिवाइड हो गया। और रिमाइंडर कितना बचा भाई, शेष बचा कुल मिला के 0, भाग पूरी चला गया, फुल डिवाइड हो गया। तो हम इसको कैसे सजा लेंगे, 7 की पावर 33 बार क्या हुआ है क्वेश्चन, फुल डिवाइड हुआ है ये, और गुणे शेष कितना बचा है 0, तो 7 की पावर क्या लिख दो, 0। अब बताओ 7 की पावर 33, इवन नंबर वाले केस में हमने क्या उतारा था, 6 उतारा था। लेकिन ऑड नंबर वाले केस में, ठीक, जब क्वेश्चन का यूनिट प्लेस या इकाई का अंक विषम हो, तो घात, जब घात फुल डिवाइड हो, घात या पावर फुल डिवाइड हो, तो इकाई का अंक क्या लेते हैं भाई, हमेशा 1 लेते हैं, 1 लेते हैं। आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे विषम वाले केस में, हमेशा इसका क्या उतारना चालू कर देंगे, 1। 7 की पावर 0 का मान कितना होगा भाई, किसी भी घात में 0 लगा दो, उसका मान भी कितना आने वाला है, 1। तो 1 में 1 का गुणा इकाई का अंक क्या आ गया भाई, 1 आ गया। आ गया समझ में, ठीक है ना। दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना भाई, लास्ट में एक बार और क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। आराम से पूरा लेक्चर देखिए, ये चीजें सिस्टमैटिक लिखिएगा, ठीक है ना। एक बार दिमाग में चली गई तो कभी नहीं भूलती, ठीक है। अब देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको यहीं दिखाना चाहूं, ठीक, इस कॉन्सेप्ट को यहां लिखे रहने देते हैं थोड़ी देर। दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, 1239, ठीक, 1239 की पावर, ये तो 36 लिख दिया मैंने, 1239 की पावर कितना था भाई, 66। मैं आपको क्या बताना है, इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताना है, इकाई अंक, अच्छे से समझ लो भाई। अब देखो, क्वेश्चन का जो इकाई का अंक है वो सम है कि विषम, तो आप तुरंत कह दोगे, सर ये तो क्या है, 9 जो है ये तो विषम है, ऑड है, तो हमको तो इधर से तो कोई मतलब था नहीं, इनको हटा दिया, पावर में चढ़ा दो 66। अब भाग किससे देना है, घात को हमेशा, सम हो चाहे विषम, पावर तो कटेगी किससे, 4 से, ठीक है ना। तो 66 को 4 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कि कितनी बार फुल डिवाइड हो रहा है भाई। तो चलो, 4 एक कम 4 बचा 2, ठीक, 4 छंग 24, बचा कितना भाई, देखो 4 एक कम 4 बचा 2, 26 हो गया, 4 छंग 24, शेष कितना बचेगा भाई, 16 बार तो फुल डिवाइड, ठीक, प्लस शेष कितना बच रहा है, आपको दिख रहा है शेष सीधे सीधे कितना है, 2। तो अब हम इसको कैसे सजाएंगे, हम लिख लेंगे 9, ठीक। और जितने बार फुल डिवाइड हुआ है उसको लिख देंगे 16 की पावर, ये हो गया 9 की पावर 16, फुल डिवाइड है, इंटू 9 की पावर कितना है भाई, 2। ध्यान रखिएगा, यहां प्लस नहीं लगाना है, ठीक है ना, वो तो पावर का केस है, ठीक। तो 9 की पावर 16, हमने कहा था अभी अभी, जब क्वेश्चन का यूनिट अंक विषम हो,
और घात क्या हो, फुल डिवाइड हो रही हो, तो इकाई का अंक कितना उतारते हैं भाई, एक उतारते हैं। आ गया समझ में? अब फिर नौ में नौ का गुणा करवा दो भाई, नन्नवा इक्यासी। फिर भी अगर इकाई से इकाई का गुणा करवाते हो तो कितना आना है, एक ही आना है। ठीक है ना, देखो बैक टू बैक एक एक आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक आएगा तो हमको ऑप्शन में एक मिले तो हम टिक कर दें जल्दी से, ऐसा कभी नहीं करना है, वो दुर्घटना बस एक एक आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक सवाल को और चर्चा कर लें। अगर यहां देखिए, ठीक, तो आपको ये विषम वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही जाएगा। जैसे देख लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन लिखा है, 31 97 की पावर 47 में आपको बताना है इकाई का अंक। ठीक, चलिए ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है ना, हमको क्या चेक करना है, देखिए प्रोसेस कैसे रखनी है। सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले चेक करना है कि क्वेश्चन का जो ये यूनिट प्लेस है वो सम है कि विषम, तो आपका तुरंत जवाब निकल के आएगा, ये तो विषम है, चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, विषम है, ऑड। ठीक, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको तो हटा ही दिए। पावर को लिख लेते हैं 47। अब पावर को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं भाई, चार से डिवाइड करते हैं। चलो चेक कर लेते हैं भाई, फुल डिवाइड कितनी बार हो रहा है, ये देखो चार एक कम चार, ठीक, अब फिर चार एक कम चार, दोबारा नहीं जाएगा, बचा कितना भाई, तीन। ये 11 बार तो क्या हो गया, फुल डिवाइड हो गया, और शेष फल कितना बच रहा भाई, तीन बच रहा है। अगर आप फिर से देख लो भाई, चार एक कम चार, बचा है सात। ठीक है ना, तो चार एक कम चार, तीन रिमाइंडर बचेगा। चलो अब इसको सजाना कैसे है, जितनी बार फुल डिवाइड हुआ उसको ऐसे चढ़ा दो कि 11 बार तो क्या हुआ है, फुल डिवाइड, अब मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है ना, अब सात की पावर कितना चढ़ा दो, तीन चढ़ा दो। अब यहां देख लो, विषम संख्या वाले केस में हमेशा इकाई का अंक क्या लेंगे, जब तक घात फुल डिवाइड होगी तो भाई आप कहोगे एक। सात का तीन बार गुणा करवाओ, सात सता उनचास, उनचास सत्ते 343। ठीक है ना, तो ये आ गया 343। अब मैं ये कह रहा हूं 343 भी लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट तीन बोल सकते हैं आंसर। ठीक है ना, तो समझ लो इकाई का अंक एक, इसका इकाई का अंक तीन, आंसर कितना आ गया भाई, तीन। ठीक, क्लियर है, तो आपको विषम वाला केस भी जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए, ठीक, और एक छोटा सा आपको चार अंकों की डिजिट में लिख रहा हूं। ठीक, एक मोटरसाइकिल या स्कूटी का नंबर मान लीजिएगा आप, आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक ये चीज याद रखिएगा, सम विषम केस तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर कभी आपको 0 1 5 6 क्या हूं प्रश्न में मिलें, कहां मिलेंगे भाई, इकाई के प्लेस में ही मिलेंगे। ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे, ठीक, यूनिट अंक ये मिले कौन कौन से प्रश्न में, यूनिट अंक कौन कौन से मिले, 0 1 5 6। जैसे बैक टू बैक एग्जांपल लिख दूं, 1570 की पावर दिया था 67 में, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन है 781 की पावर दिया था भाई 80। ठीक, फिर दिया है भाई 29 25 की पावर दिया था 65, इसमें बताना है। फिर एक क्वेश्चन और था 1246, इसमें बताना है आपको, ठीक, यूनिट प्लेस। तो मैं ये कह रहा हूं कभी भी जीरो, आपको सम विषम भूल जाना है, मैं ये बता रहा हूं। देखो जीरो से मतलब नहीं था फिर, ये एक विषम संख्या थी, ये पांच विषम संख्या थी, और ये छह भी क्या है, ये छह इवन नंबर है, सम संख्या है। तो आप अगर वो वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आंसर तो आएगा देखो, लेकिन अगर विद इन सेकंड में करना है, देख के करना है, तो हमको ये रट के बैठना पड़ेगा कि ये मान कहीं भी मिले 0 1 5 6। और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जीरो का कितनी बार भी गुणा करोगे आपस में तो क्या मिलना है भाई, जीरो ही मिलना है। एक का कितनी भी बार चाहे लाखों घात चढ़ा दो एक की, मिलना क्या है एक। पांच का चाहे 500 बार या चाहे 5000 बार गुणा करवाओ तो मिलना पांच ही है, सेम केस छह के साथ भी है। तो जब भी यूनिट प्लेस पे ये मिले 0 1 5 और 6, तो हम तुरंत आंसर बैक टू बैक क्या बोलते जाएंगे कि इसका सर कितना हो गया, 0 हो गया, इसका कितना हो गया, 1 हो गया, इसका कितना हो गया, 5 हो गया, इसका कितना हो गया, 6 हो गया। जब भी 0 156 आपको क्वेश्चन में मिले इकाई के अंक में, तो हमको सॉल्व करने जाना ही नहीं है, तुरंत क्लिक करिए किस पे, जो दिख रहा है उसी पे, पावर ओवर को काटने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर इकाई के अंक में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए या 6 मिल जाए, तो आपको ये केस भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब आइए भाई मिक्स क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। ठीक, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं,
वीडियो बड़ा जरूर है लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन तो कोई खत्म कर ही नहीं सकता आपके, ठीक है ना। तो चलो अगला आता है टाइप थ्री। टाइप टू में आपने देख लिया, अब टाइप थ्री में आ जाते हैं भाई। टाइप थ्री के क्वेश्चन से ही डायरेक्ट बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये मिक्स है भाई, ठीक है ना, मिश्रित क्वेश्चन है। ठीक, पहले क्वेश्चन में लिखा है भाई 213 की पावर 16 गुणे 522 की पावर 20 गुणे 218 की पावर 32 में इकाई अंक बताइए। ठीक, अब देखो भाई तीन तीन क्वेश्चन जो हमने सेकंड टाइप में पढ़े थे वो बैक टू बैक एक साथ सीरीज में आ गए। अब क्या करेंगे, तो हम बैक टू बैक जल्दी जल्दी निकालना चालू करेंगे। मैं समझा तो आपको धीरे रहा हूं लेकिन जब आप अप्लाई करोगे, पढ़ लोगे, चीजों को समझ लोगे, ये मुश्किल ज्यादा सेकंड का सवाल भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहां आपको क्या चेक करना है, तुरंत पहले इसको सॉल्व करने आए हैं तो ये कौन सा अंक दिख रहा है भाई, विषम संख्या दिख रही है तो ये विषम हो गया। इसको चेक कर लो जल्दी से, ये कौन सा अंक दिख रहा है, सम। और आपको एक थोड़ा सा ये नजरिया बना लेना है कि 0, 156 तो कहीं नहीं है, तो यहां 0 नहीं दिख रहा, 1, 5, 6 कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमको अपना प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा। ये विषम है, ये सम है, ये भी कैसा केस है भाई, ये भी सम का केस है। तो मैंने कहा था कि हम हमेशा इसको क्या कर देंगे, किनारे कर देंगे। तो यहां बचा 3 की पावर 16, यहां कितना बचा भाई अच्छे से देख लो, 2 की पावर 20। ठीक, और यहां कितना बचा भाई, 8 की पावर 32। मैंने कहा था जब ये आ गया तो हमेशा किससे डिवाइड करना चालू कर दो, 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। तो देखो यहां 3 की पावर कितने बार फुल डिवाइड हो गया, 4 चौको 16, 4 बार क्या हुआ है, फुल डिवाइड हुआ है, अच्छे से देख लेना भाई। और रिमाइंडर 0 है तो 3 की पावर 0 आना एक ही है, इसलिए उसको नहीं लिखो। फिर यहां देखो 4 पंचे 20, कितनी बार फुल डिवाइड हुआ भाई, 5 बार, तो गुणे में 2 की पावर 5 बार क्या हुआ है, फुल डिवाइड हुआ है। फिर आ जाओ गुणे में 4 8 32, तो 8 की पावर 8 बार क्या हुआ है, फुल डिवाइड हुआ है। ठीक, ये लाइन समझाने के लिए लिखी जा रही है, पेपर में ये सब कुछ करने नहीं है आपको। अब बताओ ये विषम वाला केस, विषम वाले केस में जब घात फुल डिवाइड हो जाए तो मेरे भाई कितना लेते हैं, ये एक लेते हैं, ठीक है ना। देखो विषम वाला केस था, ठीक, तो हमने क्या लिखा था कि जब भी घात फुल डिवाइड होगी तो उसके लिए इकाई का अंक एक उतारेंगे। सम वाला केस है तो जब फुल डिवाइड हो जाए तो उसके लिए घात क्या, मतलब ये क्या उतारेंगे भाई, 6 उतारना है हमको। और ये भी कौन सा केस था, सम वाला केस था, तो सम वाले केस में तो हम हमेशा 6 उतारते हैं, यहां देखेंगे आप। अब क्या कर देना है, इन्हीं सीरीज का आपस में क्या करवा दीजिए, गुणा, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 6 छांगे 36 और लास्ट में आंसर कितना बना, 6 बना। कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। ठीक, ऐसी अचूक विधि है कि कभी गलत हो ही नहीं सकता और कॉन्सेप्ट कभी दिमाग से उतर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो एक बार फिर से वो ट्रिक रिवाइंड करवा दूं आपको, जब भी सम संख्या वाला केस हो और घात फुल डिवाइड हो तो आपको क्या मारना है, छक्का मारना है। और जब विषम वाला केस हो तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है भाई, 1 होती है, तो 1 उतार लेते हैं, याद हो गया ना, ठीक है ना। चलिए अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवाल चुटकियों में खेलने लग जाएंगे आप, ठीक है ना। अब देखो भाई, ठीक, एनटीपीसी वगैरह में थोक के भाव में सवाल आते हैं, जेल प्रहरी ले लीजिए, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है ना। अब देखो यहां 1507 की पावर 40 गुणे 1524 और यहां है 81। ठीक, इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई का अंक। चलो ये कौन सा है भाई, जल्दी से देखो, ये है विषम और ये कौन सा है भाई, सम। तो हम तुरंत उतारेंगे 7 की पावर 40, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, गुणे 4 की पावर क्या उतार लेंगे, 81, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। अब देखना, अब हम दूसरी लाइन नहीं लिखने वाले, अब देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। चलो भाग दो, भाग पूरा चला गया 4 से, अगर पूरा चला गया तो विषम वाला केस है, ठीक, 4 दहम 40, 10 बार फुल डिवाइड हो गया। अब विषम वाला केस है तो तुरंत 1 उतार दो, कुछ लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहां कितनी बार, ठीक, भाग जाएगा 4 2 8, ठीक, 4 2 8 गया, अब भाग ना पहुंचे लब्धे सुन, 20 बार क्या हो गया, फुल डिवाइड हो गया। शेष कितना बचा भाई, तो शेष कहोगे आप कितना बचा, 1। तो मैंने कहा था जब तक फुल डिवाइड हो, यही देख लो, जब तक 4 की पावर 20 बार फुल डिवाइड हुआ है गुणे 4 की पावर 1, पावर वाला उतार देना है। और जब फुल डिवाइड होता है भाई तो कितना ले लेते हैं, 6 लेते हैं, आपको पता है 4 की पावर 1 का मतलब कितना है, 4 ही है। ये सॉल्यूशन अलग था, ये सॉल्यूशन अलग था,
इसका मान कितना आया, सम वाले केस में फुल डिवाइड होगा तो 6 लेंगे और यहां 4 की पावर 1 है तो 4, 6 चौको 24, आंसर कितना बना मेरे भाई, 4 बना। अच्छे से व्यवस्थित लिख लीजिएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक, अब देख लो भाई, एक क्वेश्चन आया था घटाने के साथ, 1373 की पावर दिया था भाई 36 माइनस 1442 पावर दिया हुआ था 20 में, क्या बताना था, इकाई अंक बताइए। ठीक है ना, ये पूछा आपसे इकाई का अंक, तो चलो किससे डिवाइड करोगे, तुरंत 4 से, इसको भी डिवाइड करो किससे, 4 से, तो 4 नहीं है 36, भाग पूरा चला गया। ये चेक कर लो, ये क्या था, ये विषम था। तो देखो विषम वाला केस अघात क्या हो गई, फुल डिवाइड हो गई, कितनी भी बार उससे मतलब नहीं है। तो ये देख लो 3 की पावर घात फुल डिवाइड हुई, विषम संख्या वाला केस तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1, माइनस तो लगा ही रहना चाहिए, क्वेश्चन का माइनस है। ठीक है ना, अब देखो इसको, ये कैसा केस है भाई, ये सम संख्या वाला केस है, इसको छोड़ दो, भाग पूरा चला गया, फुल डिवाइड हो गया ना, ठीक, 4 × 5 = 20। ठीक, तो जब सम वाले केस में फुल डिवाइड हो जाए तो मेरे भाई क्या लेते हैं, छक्का मारते हैं, तो हो गया 6। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 में 6 घटा दिया गया माइनस 5, तो इकाई का अंक आ गया आपका 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहां, ठीक, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसको आप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा इसको। ये आया था 100 + 547 की पावर 84, ये क्वेश्चन का इकाई का अंक आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, तो यहां से अपने सारे टाइप क्लियर हो गए। ठीक, हमने अपने सारे सवाल देख लिए, इकाई का अंक इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता, आएगा तो इन्हीं में वेरिएट करेगा जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो एक क्वेश्चन इकाई के अंक का गलत नहीं हो सकता। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।